हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको डिजाइनर कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे ये कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है, और यहाँ पे ये कुर्ती के स्लीव्स भी हमने कट कर लिए थे, और कुर्ती के बॉटम पार्ट के लिए ये दो पीस भी हमने कट कर लिए हैं। कटिंग वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैंने किस तरह से कट किए हुए हैं। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक को बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले नेक को बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर लिया है। ये यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से इसकी फोल्डेड साइड है। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 8.5 इंच ली हुई है, और विड्थ में मैंने 4.5 इंच लिया है डबल फोल्ड करके। देखिए, अब यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें एक निशान लगाना है नेक विड्थ के लिए। जितनी हमने इसमें नेक विड्थ ली थी, हम उतने पे ही एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें नेक विड्थ ली थी 2.5 इंच, तो हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। अब हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। देखिए, बिल्कुल मिलाते हुए। ये फोल्डेड वाली साइड मेरी साइड को है, और कपड़े में भी फोल्डेड वाली साइड मेरी साइड को ही है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने जो इसमें नेक की शेप दी है, सेम इसी तरह से हम फ्यूजिंग पेपर में भी नेक का शेप दे देंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे नेक का शेप दे दिया है। अब हम इसे हटा लेते हैं। ये देखिए, इस नेक की शेप से बाहर को हमें 1.5 से 2 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से। पूरे में 2 इंच पे एक निशान लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर पे नेक कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को मेन फैब्रिक में पेस्ट कर दिया है, और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, ये राइट साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड से ही हमें इसे पेस्ट करना है। तो इसे मैंने, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम बैक पार्ट के नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। तो बैक पार्ट में मैं यहाँ पे बायस में पट्टी लगाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए नेक की कटिंग भी हो गई है, और बैक पार्ट के नेक में मैं यहाँ पे बायस पे पट्टी लगाऊंगी। तो इसकी कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखा है। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, और ये राइट साइड है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमने फ्रंट वाला नेक बनाया हुआ है, ये कपड़े की रॉन्ग साइड से रखना है, क्योंकि ये वाली पट्टी हम कपड़े की राइट साइड को टर्न करेंगे। तो इसलिए हमें इसे इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। जो फ्यूजिंग वाली साइड है, ये ऊपर साइड रहेगी, और जिस साइड हमने यहाँ पे कपड़ा पेस्ट किया है, ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर से इस तरह से रहेगी। तो अब हमें यहाँ पे नेक की शेप में ही इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, इसमें आपको मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको बिल्कुल मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है, और नेक की शेप में ही इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नेक की शेप में इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे इस तरह से, और अब इसी तरह से पूरे में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस वाली पट्टी को हमें इस तरह से उसको टर्न कर लेना है। तो ये देखिए, और इसमें हमें आयरन कर लेनी है पूरे में। तो देखिए, इस पट्टी को मैंने यहाँ पे राइट साइड को टर्न करके इसमें आयरन कर ली है, और यहाँ साइड से भी मैंने इसे एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में आयरन कर ली है। देखिए, अब हमें यहाँ पे लेस लगानी है। तो वो किस तरह से, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये लेस ली हुई है। अब इस लेस को हमें यहाँ पे नेक के कॉर्नर में लगानी है। तो किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं इस तरह से रखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है। अब हमें लेस को इस तरह से रखना है, और इस तरह से रखते हुए यहाँ ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए, फ्रंट वाले पार्ट का नेक हमने बना दिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक को बनाएंगे।
तो ये राइट साइड है बैकपैक की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर ही हमें यहाँ पे इस पट्टी को रखना है जो हमने पट्टी कट करी थी बायस पे। तो देखिए दोनों के राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से रखते हुए यहाँ नेक में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे नेक में मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और इसमें भी हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो यहाँ पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से ओपन करना है और इसमें यहाँ ऊपर से टॉप स्टिच रख लेनी है पूरे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख दी है। हम इसमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। देखिए अब दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखना है और बैक पार्ट में हमने यहाँ पे पट्टी में जो टॉप स्टिच लगाई है इससे बिल्कुल मिलाते हुए हमें फ्रंट वाले नेक को इस तरह से रख लेना है। देखिए और अब जो बैक वाली पट्टी है इसे एक फोल्ड रॉन्ग साइड को करना है और उसके बाद एक फोल्ड हम इसे राइट साइड को कर देंगे। फोल्ड हम इसे इस तरह से करके इसमें ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से मैं दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर में सिलाई लगा दी है। अब इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। दूसरा शोल्डर भी हमें इस तरह से कर लेना है। फ्रंट वाला नेक तो हमारा बन गया है और बैक वाले नेक को नेक में हमें इस तरह से इसे एक फोल्ड करके इसमें पूरे में तुरपन कर लेनी है। आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें इस तरह से एक फोल्ड करके पूरे में तुरपन कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के नेक में भी इसमें पूरे में तुरपन कर ली है। अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। तो पहले मैं आपको एक स्लीव्स रेडी करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से फिर हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है स्लीव्स की और ये राइट साइड है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स के बॉटम पार्ट में भी ये लेस लगानी है। तो वो हम किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए तो मैंने यहाँ पे कुर्ती को राइट साइड को टर्न कर लिया है। देखिए ये कपड़े की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े की राइट साइड से भी नीचे से 2 इंच का एक निशान लगा दिया है जो हमने यहाँ पे रॉन्ग साइड से निशान लगाया है। सेम इसी तरह से ये निशान हमने यहाँ पे भी लगा दिया है कपड़े की राइट साइड के ऊपर। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से एक फोल्ड कर इसमें आयरन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फोल्ड कर दिया है इस तरह से और इसमें आयरन भी कर ली है। अब हम इसे एक फोल्ड और कर देंगे जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है इसी लाइन तक। यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है इस निशान तक हमें एक फोल्ड इस तरह से कर लेना है और इसमें भी हमें आयरन कर लेनी है। तो यहाँ पे जो हमने एक निशान लगाया है इस निशान तक भी मैंने एक फोल्ड और कर दिया है। अब इसी निशान पर हमें यहाँ पर इस लेस को रखना है। तो देखिए लेस को किस तरह से रखना है। जो लेस का रॉन्ग साइड है वो ऊपर साइड रहेगा और जो राइट साइड है वो कपड़े के ऊपर रहेगा। देखिए ये रॉन्ग साइड है लेस की और ये राइट साइड है। तो देखिए ये रॉन्ग साइड हम इस तरह से ऊपर साइड रखेंगे और ये जो हमने फोल्ड करा है कपड़ा इसके अंदर दबाते हुए हमें इस तरह से रखना है। तो इस तरह से लेस को रखते हुए इसमें हमें एक सिलाई लगानी है। तो चलिए इसमें मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सिलाई लगा के हमने इस लेस को अटैच कर दिया है। अब जहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाई है इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है। तो ये लेस हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें हम आयरन कर लेंगे और यहाँ रॉन्ग साइड से देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड से इसमें आप चाहें तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पूरे में तुरपन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं देखिए और यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में तुरपन भी कर ली है दोनों पार्ट्स में। स्लीव्स को हम बॉडीज पार्ट में अटैच करेंगे। बिल्कुल बराबर फोल्ड करके इसके मिड में एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो स्लीव्स में डीप वाला पार्ट है ये डीप वाला पार्ट हमारे फ्रंट वाले पार्ट की साइड आएगा। तो इस तरह से हमें इसे रखना है। ये देखिए जो डीप वाला पार्ट है ये फ्रंट वाले पार्ट की साइड आया है। यहीं पे बिल्कुल मिलाते हुए इसे इस तरह से रखना है और इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले स्लीव्स को भी ज्वाइन करेंगे।
तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने इसमें ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो कुर्ती का बॉटम पार्ट रेडी करने के लिए भी मैंने यहाँ पे दो पीस लिए हुए हैं, एक फ्रंट का है और एक बैक का है। तो पहले मैं आपको एक पार्ट को रेडी करके बताती हूँ, सेम उसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये लंबाई है कपड़े की और ये चौड़ाई है यानी कि अर्ज है। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई वाली साइड को ही इसमें पूरे में प्लीट्स देने हैं। इस कपड़े में दोनों साइड से हमें यहाँ पे 1 से 1.5 इंच लगभग छोड़ना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और बीच में हमारे पास जो ये पूरा कपड़ा बच रहा है इसमें हम पूरे में प्लीट्स देंगे। चलिए इसमें प्लीट्स देने स्टार्ट करते हैं। ये लेंथ है कपड़े की और ये विड्थ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइड से एक निशान लगा लेती हूँ जितना हमें छोड़ना है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लगभग छोड़ दिया है। अब यहाँ से आगे को हमें इसमें पूरे में प्लीट्स देनी है। तो देखिए किस तरह से देनी है। और ये प्लीट्स हमें कितनी देनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती का जो बॉडी पार्ट है इसमें जो हमने एक कमर ली है इसी के बराबर हमें यहाँ पे ये प्लीट्स देनी है। जितना हमारा ये आ रहा है इसी के बराबर हमें यहाँ पे ये प्लीट्स भी देनी है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती के बॉटम पार्ट में पूरे में प्लीट्स दे दी हैं और ये हमारे कुर्ती के बॉडी पार्ट के बराबर ही आ रही है बिल्कुल, ये देखिए। तो अब यहाँ पे हम पहले इसमें सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। अब इसमें हमें अपना बॉडी पार्ट अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे बॉटम पार्ट को इस तरह से रखा हुआ है। अब हमें इसके ऊपर बॉडी पार्ट रखना है। तो देखिए ये राइट साइड है कपड़े की और ये भी कपड़े की राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है। तो देखिए ये पूरा इसी के बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसकी भी राइट साइड और इसकी भी राइट साइड दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इसमें एक सिलाई लगा के इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। बैक पार्ट का बॉटम पार्ट भी मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये देखिए। इसमें भी हमने यहाँ पे पूरे में प्लीट्स दे दी हैं, इसे भी हम बैक पार्ट में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक सिलाई लगा दी है और बैक पार्ट में मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है देखिए। और इसे भी हम इस तरह से ओपन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे बॉडी पार्ट को बॉटम पार्ट में अटैच कर दिया है। अब दोनों को हमें इस तरह से रखना है बिल्कुल मिलाते हुए, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए। और यहाँ पर हमने स्लीव्स में भी अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो स्लीव्स के बॉटम पार्ट का जो मेजरमेंट है उसी निशान से हमें पूरे में यहाँ तक एक सिलाई लगा लेनी है। और आपको यहाँ पे साइड से कुर्ती जहाँ तक ओपन चाहिए आप वहाँ तक ही इसमें सिलाई रखें। तो यहाँ कमर तक तो मैंने इसमें निशान लगाया हुआ है देखिए, और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे को मैं एक निशान लगाऊंगी। यहाँ कमर से नीचे को 1 इंच तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है एक, और यहाँ पूरे साइड में एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक देखिए। अगर आपको यहाँ पे साइड से थोड़ा नीचे से ओपनिंग चाहिए तो आप यहाँ तक सिलाई लगा लें, मुझे यहाँ से नीचे को ओपनिंग चाहिए तो मैंने इसलिए 1 इंच नीचे ले लिया है कमर से और यहाँ तक ही मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें मैं साइड से सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से नीचे को इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे हमें साइड से पूरे में ये लेस लगानी है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे ये स्लीव्स में लेस लगाई थी सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसमें पूरे में लेस लगा लेंगे। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा के लेस लगा लेती हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिजाइनर कुर्ती की स्टिचिंग करना भी बता दिया है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।